अनदर टॉपिक दैट इज रॉड्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ. रॉड्स लॉ किस क्या बोलता है, व्हाट इज नॉट रॉड्स लॉ, व्हाट इज डाल्टन्स लॉ, व्हाट इज डाल्टन्स लॉ. टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच, पी वन प्लस पी टू, वेयर दिस टू आर पार्शियल प्रेशर. ठीक है, आपके लेवल पे क्या है, पी वन इज फॉर सॉल्वेंट, पी टू इज फॉर सोल्यूट, पी टी इज फॉर सोल्यूशन. सो कैन आई राइट प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्रेशर ऑफ सोल्यूट. तो वेदर इट इज ए और बी, वेदर इट इज वन और टू, जो आपको दे तो आपको लेना है. दिस इज डाल्टन्स लॉ. ठीक है, देन बच्चों की गड़बड़ कहाँ पे होती है, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, पार्शियल प्रेशर को क्यों पढ़ रहे हैं. मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, आइडियल गैस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली, प्रेशर इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली. तो ये तो सोल्यूशन लिक्विड है ना, किसके बारे में पढ़ते हो पता है क्या, अगर वो सोल्यूशन वेपराइज हुआ तो किसके बारे में पढ़ते हम लोग. व्हाट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग, प्रेशर से ही रिलेटेड है ना. व्हाट इज बॉइलिंग, प्रेशर से ही रिलेटेड है, प्रेशर इंक्रीज होगा एक्सेप्ट फ्रीजिंग. क्योंकि फ्रीजिंग क्यों पढ़ते हो वो भी याद रखना, वेदर यू वॉन्ट टू प्रिपेयर, वेदर यू कीप दैट सोल्यूशन इन फ्रीज और एट रूम टेम्परेचर, कहाँ पे पढ़ते हो ये सब चीजें, कहाँ पे एप्लीकेबल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मेडिसिन पढ़ क्यों रहे हो. मेडिसिन जितने भी मेडिसिन होते हैं, जितने भी आप यू नो क्रीम यूज करते, वट एवर मटेरियल यू आर यूजिंग एज अ फाउंडेशन भी आता है उसमें, राइट, सोल्यूशन भी आता है, किसी भी टाइप का सोल्यूशन हो, उस सोल्यूशन के साथ आप जनरली क्या करते हो, एक तो उसको गर्मी में रखोगे तो वेपराइज होगा तो कितना प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, राइट. उसके बाद दूसरी बात क्या है, उसके अंदर अगर कोई ऐसा गैस मौजूद है जो क्या करेगा, पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करेगा, तो यू हैव टू फ्रीज इट, आपको उसको फ्रीज करना पड़ेगा. सबने एक चीज तो सुना है ना, जो इंजेक्शन आप लगा के आते हो डॉक्टर से, वो इंजेक्शन कहाँ से निकालते डॉक्टर, फ्रीज से, क्योंकि वहां पे मेंशन रहता है. एंड वी ऑल आर प्रिपेयरिंग ऑल कंपोन, मतलब ऑल ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, मिक्सचर से ही सब कंपाउंड बनते, इसीलिए आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ते. ठीक है, तो प्रेशर कितना चेंज होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब उसका क्या, वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है, वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया मतलब वो इजीली, समझ गए. ठीक है, सो ये चीज समझो कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम प्रेशर से रिलेटेड पढ़ते हैं ना, वो सोल्यूशन बनने के बाद अगर कुछ उसके साथ होता है, अगर वो प्रेशर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तब की डिस्कशन है. हम तो नॉर्मल लाइफ में ये सब सोचते नहीं है. ठीक है, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नहीं तो किसको क्या पढ़ी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझाने के. ठीक है, देन यहाँ पे आओगे, वी हैव वन प्रॉब्लम. अगर आपने किसी सोल्यूशन को देखा होगा, दवाई तो शायद सबने खाई रहेगी, खांसी की दवाई, ड्रग्स, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, कभी सोचते हो क्या पार्शियल प्रेशर क्या होगा, नहीं सोचते ना. बट वहां पे पार्शियल प्रेशर क्यों इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं हो कि उसमें एक आधी कंपोनेंट ऐसा रहे जो वेपराइज हो जाए. वेपराइज हो गया मतलब जो कंटेंट आपके बॉडी में जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, कोई और ही जाएगा, राइट. इसीलिए क्लियर विद द पॉइंट. नाउ यहाँ पे आपको पॉसिबल नहीं है कि पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करे, राइट. इसीलिए पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट किसने किया है, रॉल्स ने किया है. डाल्टन्स लॉ यही तक, यही तक खत्म हुआ. व्हाट इज रॉल्स लॉ, व्हाट इज रॉल्स लॉ, किसी का भी पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन उसका कितना फ्रैक्शन है. ठीक है, अगर आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं घर पे ही अल्कोहल बना दूं, एंड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इट. ठीक है, व्हाट यू विल प्रिफर, मिथेनॉल पीना पसंद करोगे या वाटर एंड मिथेनॉल, समझ गए ना. क्यों कर रहे हो हम लोग, क्योंकि मिथेनॉल का जो वेपराइजेशन है वो इजीली हो जाता है, पानी उसमें क्या करता है, मिथेनॉल को पकड़ के रखता है, समझे. इसीलिए हम पानी को क्या करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं कुछ,
सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही लगता है मुझे, ठीक है, बहुत अच्छे से इमेजिन करके समझ भी जाओगे, आजू बाजू देखते ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी ना हो कि पार्शियल प्रेशर उसका अच्छा कजर है, मतलब ज्यादा अगर मिथेनॉल डाल दिए तो खुद भी हवा में चले जाते हो, देखा ही होगा ना, इंसान भी खुद हवा में चला जाते तो पार्शियल प्रेशर उसका उतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर। सो यू हैव टू मेंटेन द पार्शियल प्रेशर। अभी पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है, कितना मोल फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई बाय उसका कितना वेपर प्रेशर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इट्स वेपर प्रेशर, ठीक है। सो वी हैव टू राइट डाउन वेपर प्रेशर एज दिस, क्या आएगा, एक्स आई इंटू पी नॉट आई, एक्स वन पी नॉट वन, एक्स टू पी नॉट टू। तो रॉल्स लॉ सिर्फ यही है, ठीक है। जैसे अगर मानो किसी का मन किया कि उसी अल्कोहल में उसने पानी भी ऐड किया, पानी तो बहुत ज्यादा लिया, अल्कोहल कम लेते, पता है ना सबको 4% होता है, ठीक है। तो अल्कोहल के साथ साथ जोएल को लगा कि नहीं थोड़ा सा मैं इथेनॉल भी डाल दूंगा, है ना, मिथेनॉल के साथ क्या डालू, इथेनॉल कहाँ से मिलेगा आपको इथेनॉल, कहाँ से मिलेगा ये बोलो, इथेनॉल कहाँ से मिलेगा, हाँ सबसे सिंपल सोर्स है, थोड़ा सा डालना लेकिन उसमें गैसोलीन रहता है, ठीक है। सो मैंने किया क्या, क्या क्या किया मैंने, मुझे एक अच्छा खासा ड्रिंक बनाना है, तो मैंने मिथेनॉल लिया, राइट, मैंने इथेनॉल लिया, किसमें ऐड किया मैंने, वाटर में। व्हाट इज माय सॉल्वेंट, व्हाट इज माय सॉल्यूट, ये मेरा सॉल्यूट है, राइट। तो अगर मुझे इसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH, क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इनटू वेपर प्रेशर ऑफ CH3OH। मुझे अगर इथेनॉल का निकालना है CH2OH, क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3CH2OH इनटू वेपर प्रेशर ऑफ CH3CH2OH। मुझे इसका निकालना है वाटर का, तो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, हो गया आपका टोटल प्रेशर, निकालोगे फिर देखोगे क्या इफेक्ट हुआ, समझा, सोल्यूशन अच्छे से समझाना जिसको समझाना है, ठीक है। सो दिस इज योर, ये आपने क्या किया, दिस इज योर टोटल प्रेशर, आपने वो सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स डाले वो सब क्या है, वेपराइज होने वाले कंपोनेंट से, तब वहां पे आपको टोटल प्रेशर निकालना बहुत जरूरी है, एंड ट्रस्ट मी ये सॉल्यूशन यहीं पे एप्लीकेबल है, बाकी कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल है सिर्फ मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल के लिए, बाकी जितने भी ड्रग्स है, मतलब आई एम सेइंग अबाउट जितने भी आप विटामिन की लिक्विड दवाई लेते हो, विटामिन बढ़ने के लिए मल्टीविटामिन, उसके बाद क्या है खांसी की दवाई, उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रहते, उसमें वोलेटाइल सोल्यूट रहते ही नहीं है। इफ यू वांट टू डू द एक्सपेरिमेंट, ऐसे डाल के देखना जमीन पे, इट विल नॉट वेपराइज, क्योंकि उसमें क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होते हैं, क्लियर विद द पॉइंट। नाउ रहा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय द वेपर फ्रैक्शन, सॉरी ये वो वेपर फ्रैक्शन छोड़ो, नया कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन जो जो अपने सॉल्यूशन में डाले सबके मोल्स, सो क्या आएगा, एन ऑफ मिथ अपॉन एम ओ एन ऑफ मिथेनॉल अपॉन एन ऑफ मिथेनॉल प्लस एन ऑफ इथेनॉल प्लस एन ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ इथेनॉल इज, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर,
व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर. इन शॉर्ट यू कैन से मोल फ्रैक्शन इज मोल ऑफ कंपोनेंट व्हिच इज आस्क्ड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन में जो जो डाला है ना सब रख, सब उसमें कंसिडर करना. क्लियर विद द पॉइंट? सो ये अगर आप कंसिडर करोगे तो यहाँ पे आपका रॉल्स लॉ क्या आएगा? फॉर थ्री कंपोनेंट्स रॉल्स लॉ क्या आएगा? एक्चुअली नॉट रॉल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ही है ये. क्या आएगा? प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. तो याद करना है तो इसको करो, पी नॉट वन प्लस है ना एक्स वन इंटू पी नॉट वन, यही करते हो ना, प्लस एक्स टू इंटू पी नॉट टू. वो तो हमने सफिक्सेस दिए है, सोल्यूट के लिए टू है, सॉल्वेंट के लिए वन. ठीक है, सो रिमेम्बर दिस इक्वेशन, इसी को हम बोलते हैं रॉड्स लॉ, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो कहाँ से आए हैं? रॉड्स लॉ से आए. कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर इज फ्रॉम रॉड्स लॉ. देन गो फॉर नेक्स्ट.